बच्चों नमस्ते। आज का हमारा आसन है गोमुख आसन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गोमुख मीन्स गाय के मुख के समान, यानी काउ फेस पोज। गाय के मुख के समान इसमें हमारे बूढ़ी की आकृति हो जाती है, यानी बूढ़ी की जो शेप हमारी आती है वो गाय के फेस की तरह होती है, काउ फेस की तरह, इसीलिए इसको काउ फेस भी बोला जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे हम करते हैं इस आसन को। इसमें हमने इस प्रकार से बैठना है, हमारे नी एक दूसरे के ऊपर होंगे ऐसे, बिल्कुल दोनों पांव ऐसे साइड में, दोनों पांव ऐसे साइड में होंगे, टोज हमारे पीछे की तरफ होंगे ऐसे, ये हो गया। इसके बाद जो नी हमारा अप है वही एल्बो हमारी अप होएगी, और जो नी डाउन है वो एल्बो डाउन। पीछे से हमने हैंड्स को ऐसे लॉक करना है बैक साइड ऐसे, फेस फ्रंट साइड, ऐसे ही आसन में हम एक से डेढ़ मिनट तक रुक सकते हैं। ऐसे ही फिर साइड चेंज, जो नी अप था वो डाउन हो जाएगा, जो डाउन था वो अप हो जाएगा। ये हो गया हमारा, अब लेफ्ट हमारा अप हो गया है, पहले राइट अप था, अब जो नी अप है वही एल्बो अप, जो नी डाउन है वो डाउन। फिर से हैंड स्लो बैक साइड, फेस फ्रंट, नेक स्ट्रेट, टोज हमारे पीछे खींचे होने चाहिए, टोज को ऐसे रखना है हमने, पीछे हैंड्स हमारे लॉक होंगे, फेस फ्रंट साइड, कम बैक। ये हमारा आसन हुआ गोमुख आसन, और बोथ साइड से यानी दोनों तरफ से हमने ये एक एक मिनट करना है, गोमुख आसन से हमारी डमी पे, चेस्ट पे, शोल्डर पे हमारी चेस्ट ग्रोथ होती है, स्ट्रोंग होती है, और शोल्डर स्ट्रोंग होते हैं इसे। और ये सर्वाइकल का आसन भी है, इससे सर्वाइकल हमारा ठीक रहता है। धन्यवाद बच्चों।